रियल लाइफ में भी जितना बेरहम है उतना ही विकास रियल लाइफ में रहम दिल और खुश मिजाज है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका दिन किस तरह से बीतता है। गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग। हाय वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एंड सो आज मेरा बैक का वर्कआउट है। दिस इज हाउ आई स्टार्ट माय डे विद माय जिम एंड दैट्स माय वेरी डियर फ्रेंड एंड माय ट्रेनर प्रदीप। हाय। आज के लिए हमारा जो है जिम का सेशन वो पूरा हो गया और प्रदीप ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सेशन करवाया जिसके बाद पूरी बॉडी मेरी एक कर। आइए, ये मेरा एक खूबसूरत सा घर है जहाँ मैं थक कर दिन के बाद 15-16 घंटे के काम के बाद आता हूँ। और आइए आज मैं आपको जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अर्धांगिनी जो मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अभी भी मेरे लिए कुछ बना रही है। हाय, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी बीवी है। ये मेरे लिए सब चीज़ों का ध्यान रखती है क्योंकि मेरा फ़ोन तक नहीं मिल रहा होता है तो ये सब चीज़ें संभाल लेती है। खुद के लिए सनी साइड अप बनाती हैं और मेरे लिए देखिए कैसे प्यार से कितने ध्यान से फ्लेक्स के साथ सिर्फ एग वाइट्स और ऑलिव्स के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सा ऑमलेट बना दिए हैं जिससे मेरी शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट में। और ये देख लीजिए पूरी शुरुआत ही है। ये हमारी ब्यूटीफुल फैमिली है। ये मम्मा पापा हैं जो दिल्ली में है सारे। और ये मेरे साइड का ट्री है, ये गुंजन के साइड का ट्री है जो मिला के एक बड़ा ट्री बन गया है। समझावा के ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जान मेरी जान सो दिस इज़ माई स्पेस इन द हाउस। ये मेरी जगह है जहाँ पर मैं बैठता हूँ, जहाँ पर मैं अपने आप को क्रिएटिवली जब भी मैं थक जाता हूँ तो पैम्पर खुद को करने के लिए जब मुझे नहीं होती है तो माई थिएटर सिस्टम एंड माई ओन रिक्लाइनर चेयर्स। कुछ झलकें हैं जो आपको देखने में मिलेंगी। और My books, this is my collection of DVDs that I have inside, जो अभी बहुत ही ज़्यादा messy और बुरे हाल में है तो इस पर नज़र नहीं मारें तो अच्छा है। ये एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जब मैं और गुंजन मिले थे शुरुआत में तो ये गुंजन के घर पर था। ये गुंजन का एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक हमने संभाल के रखी हुई है जो सीटेड तबला डिज़ाइन में है मिट्टी का। माई बॉक्सिंग ग्लव्स विच आई यूज टू प्रैक्टिस वेन एवर आई कुड एंड दैट्स दीज आर द पीपल दैट आई रियली वॉन्ट टू वर्क विथ। ये एंग ली, करण जौहर, फरहान अख्तर, एकता कपूर एंड अनुराग जी, विधु विनोद चोपड़ा जी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एक छोटा सा लव कॉर्नर जो है। सो दिस इज़ अ बेडरूम। सो गुंजन जब हमारी शादी के बाद पहली बार अपने घर गई थी फगवाड़ा
तो मैंने ये उसको उसके लिए उसके आने से पहले उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट करके ये डिज़ाइन करके रखा था. और दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट कॉल्ड किरिथ जो भगवान की मूर्ति बनाते हैं और वो उसमें आपके अल्फाबेट्स डालते हैं. तो अगर इसमें देखें तो आप गुंजन VM दोनों हैं, तो दोनों के नाम हैं. और आई लव दी लक्ष्मी माँ की मूर्ति जो है इस जो मंदिर में है, जो गणपति है, जो शिव परिवार है. और ये हमने इवन फॉर दैट मैटर जो ऊपर है गणपति लक्ष्मी और सरस्वती जी, एक आर्टिस्ट के लिए बिना सरस्वती माँ के और लक्ष्मी माँ के और गणपति के आशीर्वाद के वो ज़िंदगी पूरी नहीं हो पाती है. लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी चलते और रश करते. एंड मे बी आई विल सी यू सून इन द नाइट. आई लव यू. मलाई वाला बिना मलाई के, बिना मलाई के दो कैसा लगे मल? 5 पानी वाले कर दीजिए, बढ़िया से मीठे से जल्दी से, मज़ा आ जाना चाहिए. इसीलिए क्योंकि हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है. और हाइड्रेटेड रहता है सिस्टम तो हमेशा हेल्दियर रहता है. ये गर्मी को बीट करने का बहुत अच्छा तरीका है. फॉर मी ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस और नारियल पानी दोनों ही ऐसे तरीके हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और हेल्दी रखते हैं, मज़ेदार रखते हैं, जो गर्मी को चढ़ने नहीं देते हैं शरीर में. जबकि हम इतना ज़्यादा आउटडोर शूट कर रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. तो अब आज तो यहाँ टाइम मिला है तो यहाँ रुक गया हूँ, नहीं तो सेट पर ही आ रहा होता है. तो यहाँ पर खड़े होकर पीने का अलग ही मज़ा है. चलिए ये हमारे आलोक जी जो पतले हो गए हैं क्योंकि इनकी अभी नई नई शादी हुई है सब. और ये हमारे ACH मिस्टर रहीम अंसारी जिन जो मुझे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा बहुत ही अच्छा सा इंसान. ICU क्योंकि इसकी वजह सिर्फ वीर है, इसलिए हम लोग आज यहाँ ICU में एडमिट हैं. हमारे सेट की थी इतनी सारी क्यूट सी हमारी जो एडी है संगीता उसे मिलवाता हूँ. संगीता हेलो. हेलो हाय टू ऑल द व्यूअर्स. हेलो. लंच में मेरे लिए मैं वेजिटेरियन फूड है और बहुत ही टेस्टी ब्लैक दाल और भिंडी बनाकर भेजी बेबी ने, जो एक्च बहुत ज़्यादा यमी है. शी इज़ अ वेरी गुड कुक. और एक सीक्रेट की बात यह है कि गुंजन को जब हमारी शादी हुई थी तो खाना बनाना आता नहीं था, बट आई थिंक फॉर द लव दैट शी हैज़ फॉर मी शी इज़ बिकम सच एन अमेजिंग कुक. जिसकी एक एक चीज़ बनी हुई में इतना सारा प्यार होता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है कि मज़ा आ जाता है. और मैं उसे बहुत मिस करता हूँ. दिस इज़ द टाइम दैट आई एक्चुअली रिमेंबर गुंजन द मोस्ट, जब मैं खाना खा रहा होता हूँ और उसको बहुत बार थैंक यू बोल रहा होता हूँ. It's
इट्स रियली रियली एनकरेजिंग एंड हार्ट वार्मिंग कि आप सब इतना ज़्यादा प्यार इतनी सारी एनकरेजमेंट देते रहते हैं और जल्दी से मिलता हूँ आपको. सो आई विल सी यू गाइस, हैव लॉट्स ऑफ फन, हैव अ ग्रेट डे अहेड. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.